हाँ तो दोस्तों, आज आइए हम लोग एक इबारती प्रश्न दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष रहे। अब हमको ये बताना है कि वह संख्या कौन सी होगी, तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। लिखा गया है कि अगर हम उस संख्या को 49 में भाग करेंगे तो 1 शेष बचेगा, और अगर 59 में भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा, अगर 109 में भाग करेंगे तो 5 शेष बचेगा। तो अब हम इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, कैसे हम अपना आंसर निकालेंगे, यह हमें देखना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले क्या करेंगे, देखिए दिया गया है अगर हम 49 में उस संख्या से भाग रहे हैं तो 1 शेष बच रहा है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले काम आपका यही है कि 49 में से 1 को माइनस कर दीजिए। चलिए इसका हल स्टार्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप 49 में से 1 को माइनस कर दें, कितना जाएगा, आ गया 48, माने 48 आ गया। इसी तरह से दूसरा देख रहे हैं, अगर 59 में उससे भाग कर रहे हैं तो 3 शेष बच रहा है, तो क्या करेंगे, अब 59 में से 3 को माइनस कर देते हैं, कितना जाएगा, आ गया 56। इसी तरह से अगर 109 में भाग कर रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है, तो क्या करेंगे, 109 माइनस 5 कर देंगे, तो आ जाएगा कितना, आ गया 104। अब इन सभी का हम क्या करेंगे, सबका HCF ले लेंगे। तो चलिए सबका HCF लेना है, तो HCF लेने के लिए हम क्या करेंगे, 48 का प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 48 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 4 × 8 × 16, 16 × 3 = 48 हो गया। इसी तरह से 56 का, 56 क्या होता है, 8 × 7 = 56, तो इसका मतलब 2 × 2 × 2 × 7। इसी तरह से हम 104 का कर लेंगे, तो 104 कितना होता है, आता है कितने में, 13 × 8 = 104, तो हम लिख देंगे 2 × 2 × 2 × 13 × 8 = 104। अब सबका हम लिख देंगे HCF बराबर, यहाँ लिखेंगे HCF, तो ये CF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो संख्याएं सब में होती हैं वही हमको लेना होता है। तो देख रहे हैं 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम ये 2 ले लेंगे। फिर देखिए ये भी 2 मिल रहा है, ये भी 2 मिल रहा है, ये भी 2 मिल रहा है, तो इसके लिए 1, 2 उतारते हैं। फिर देखिए 1, 2 यह है, 1, 2 ये है और 1, 2 ये, इस तरह से 1, 2 और मिल गया। अब देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है और न तो इसमें ही है, इसलिए उस 2 को हमें नहीं लेना है, और 13 भी नहीं लेना है क्योंकि 13 सब में नहीं है, 7 भी नहीं लेंगे क्योंकि 7 तीनों में नहीं है, और 3 भी नहीं लेंगे क्योंकि 3 भी इसमें नहीं है। तो आ गया कितना, ये CA बराबर आ गया 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, 8 एक ऐसी संख्या है जिससे जब हम सब में भाग करेंगे तो 1 शेष और 3 5 बचेगा। तो आप करके देख सकते हैं, देखिए 8 अगर आ गया तो आप क्या करेंगे, अगर 49 में 8 का भाग करेंगे तो 8 × 6 = 48, देखिए 1 शेष बच गया। इसी तरह से
दूसरा है 59। जब 59 में आप भाग करेंगे 8 का, तो 8 सते 56। देखिए यहाँ पर 3 शेष बच गया। और अगर आप 109 में अगर 8 से भाग करेंगे, कितना होगा? 8 × 1 = 8 आ गया। कितना यहाँ पर बचा? 2 और 9 हो गया, 8 × 3 = 24। और देखिए यहाँ पर 5 शेष बच गया। इस तरह से आपने अपने प्रश्न की जांच कर ली कि हमारा आंसर जो है सही है गलत है। देख रहे हैं 8 से भाग कर रहे हैं तो 1 शेष बच रहा है, इसमें भाग कर रहे हैं 3 शेष बच रहा है, और इसमें भाग कर रहे हैं तो 5 शेष बच रहा है। आशा करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।